पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट मैरी का है। यहां स्कूल प्रबंधक की घोर लापरवाही के चलते सातवीं क्लास की एक मासूम बच्ची स्कूल से घर नहीं पहुंची, जबकि उसकी दूसरी बहन अपने घर पहुंच गई। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी विद्युत विभाग में एसडीओ सत्य प्रकाश की दो बेटियां शहर के आश्रम रोड स्थित एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल सेंट मैरी में पढ़ती हैं। इनकी दोनों बेटियां रोज स्कूल बस से घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती थीं। रोज की तरह आज भी ये दोनों बहनें अपने घर के लिए स्कूल से निकली, लेकिन एक बेटी तो घर पहुंच गई, लेकिन दूसरी बेटी गुंजन अपने घर नहीं पहुंची। माँ ने बेटी से कहा कि दीदी कहाँ है, तो उसने कहा कि आज तो वह बस में आई ही नहीं। जिसके बाद बच्ची की माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए स्कूल पहुंची, लेकिन माँ के मुताबिक स्कूल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। काफी ढूंढने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मैनपुरी से सतेंद्र कुमार की। दोनों बच्चियां हैं ना, वो सब पहले FIR लिखवाइए, सीधे बाद में प्रिंसिपल के नाम FIR। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? मेरी बेटी सुबह 8:20 पर घर से रवाना हुई, सीधी स्कूल आई, और उस स्कूल के बाद में शाम को 4 छुट्टी होती, 4 मतलब 2:10 पर छुट्टी होती है, 4 घर पहुँचती है पावर हाउस में। लेकिन एक बेटी मेरी घर पर पहुँची है और दूसरी बेटी घर नहीं पहुँची। उस बेटी ने मेरे को बताया, छोटी बेटी ने, मम्मी मेरे की बहन क्यों नहीं आई, कि मम्मी मुझे कंडक्टर भैया ने डांट दिया था, इसलिए मैं बस में बैठ गई थी और मुझे दीदी नहीं मिली। फिर वो मैं उसके बाद में मैं घर से चलती थी, उसको मैंने घर छोड़ दिया, मैं स्कूल आ गई सीधी टेम्पो करके, सीधी मैं स्कूल पहुंची। स्कूल के बाद में मेरे मेन गेट पे गार्ड था, जो उसने स्लिप दी, स्लिप में नाम लिखवाया मेरी बेटी का, और उसके बाद में एंट्री अंदर ऑफिस में हुई थी। ऑफिस में एंट्री होने के बाद मैडम ने ये कहा था कि उसकी फ्रेंड से मतलब बात कीजिए, आप फ्रेंड से घर पे पता कीजिए कि कहाँ है कहाँ नहीं, आपको अपनी उसकी फ्रेंड से पता करके पता करना। उसके बाद मैडम ने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऑफिस से मैं घर उसकी फ्रेंड के यहाँ पुलिस थाने आई कोतवाली, कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हो रही थी। उसके बाद मैं उसकी फ्रेंड के घर गई राज भैया के साथ, उसकी फ्रेंड के घर गई, उसके पापा मिले घर पर, उसके पापा ने बताया मेरी बेटी ट्यूशन गई है, मेरे की आपकी बेटी स्कूल गई थी कि हाँ मेरी स्कूल गई थी बेटी, मेरे की आप मेरी उससे बात करवा दीजिए। फिर उसकी बेटी अखार शाह ने मुझे बताया कि हाँ क्या कहते हैं आंटी, वो स्कूल आई थी, मेरे से बात हुई, लास्ट समय तक मेरे साथ रही थी, लास्ट समय में छुट्टी उतरने के बाद सीटियों से फिर पता नहीं कहाँ है। फिर उसके बाद कॉलेज वालों ने क्या कह दिया, आप गए स्कूल गए तो स्कूल प्रिंसिपल ने क्या कहा? उस स्कूल में मैडम ने ये कहा था कि मतलब आप उनकी फ्रेंड के घर पर पता कीजिए, बस यही कहा था। कोऑपरेट किया स्कूल प्रशासन ने या नहीं किया? स्कूल प्रशासन ने कोऑपरेट किया, कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद वो कुछ पता नहीं उसको। कितने घंटे हो चुके हैं बच्ची को गायब हुए? 4 से गायब है मेरी बेटी, अब उससे पता नहीं स्कूल में कितने बजे,
चार बजे से गायब है, चार बजे मेरी बेटी घर पहुंच जाती है, उसके बाद कुछ पता नहीं है उसके क्या। पहले से 12 वर्ष की छात्रा, 6 साल की छात्रा गायब हुई है, क्या पूरा ये कुमारी गुंजन है, अच्छा साथी छात्रा थी, कैनमेज की छात्रा है वो, आज स्कूल छूटने के बाद बस पे नहीं बैठी और न अपने घर पहुंची है, उसकी एक छोटा भाई और बहन घर पहुंच गए हैं और इस सूचना पर उसकी माता पिता आ गए हैं और सब लोग तलाश में लगे हुए हैं, FIR दर्ज की जा रही है और हमारी 3-4 टीमें इस काम की लगी हुई हैं कि ठीक बच्ची बरामदगी हो जाए। पिछले 4 बजे से गायब है बच्ची, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा? अभी हम लोग जितने भी CCTV हैं स्कूल के और आसपास के जो रोड हैं उसको हम खंगाल रहे हैं, जैसे सुराग लगे बताया जाएगा। सर कुछ ऐसा संज्ञान में CCTV फुटेज में कुछ 2 घंटे का वो नहीं है, डिलीट किया गया है कुछ? एक कैमरा है, आप भीड़ तो नहीं कहेंगे लेकिन उसमें कोई फंक्शनल नहीं है, यदि वो होता तो शायद हमें ज़्यादा क्लू मिल पाता। कहीं ना कहीं सर स्कूल प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ देखने को मिलती है, तो क्या इसके खिलाफ भी अगर कोई गलती पाई जाती है तो? बच्ची जो है अपना बस से जाती थी, जब उसमें नहीं पहुंची तो जिम्मेदारी बनती थी बच्ची को तलाश करते और उसके गार्जियन को भी बताते, इनको आपको सूचना नहीं दी गई, इस पर जो लापरवाही इनकी है हम इस पर कार्रवाई करेंगे।